हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड ब्लूम। आज हम बात करेंगे समर सीजन के बहुत ही प्यारे मनमोहक कलरफुल फ्लावर के बारे में, जिनका नाम है सदाबहार। वैसे तो नाम से ही पता चलता है कि ये पूरे साल चलने वाला प्लांट है, हालांकि विंटर सीजन इनका डोरमेंसी का पीरियड होता है। फ्लावर्स आते हैं बट साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। ध्यान देने का सीज़न होता है मॉनसून का। अगर आपने अपने प्लांट को मॉनसून सीजन की हैवी रेन के पानी से बचा लिया तो ये प्लांट आपको निराश नहीं करेगा। चलिए अब देखते हैं कि प्लांट को लगाना कैसे है। 3 पार्ट गार्डन सोइल लेकर के उसमें 1 पार्ट सैंड ऐड करेंगे, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट कोकोपीट और 1/4 पार्ट नीम खली को मिलाकर हम इसकी सोइल रेडी करेंगे। प्लांटर में होल करने के बाद उन्हें किसी भी पत्थर से कवर कर देंगे एरेशन के लिए। बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए प्लांट को प्लांटर में एडजस्ट करेंगे। साइड के गैप को अच्छी तरह से भरने के बाद पूरे प्लांटर में मिट्टी डालकर उसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। लास्ट में वाटरिंग करते समय पानी में हम थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि प्लांट रिपोर्टिंग के शौक से ख़राब ना हो। 2 or 3 days तक हम इसे शेडी एरिया में रखेंगे या किसी भी बिग प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। उसके बाद हम प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। वाटरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम पानी देते समय टॉप लेयर का सूखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गीली ही मिट्टी में पानी डाल देंगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। विंका को वैसे भी ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी ज़्यादा ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप जब 5 to 6 days का गैप हो जाए तो आप DAP के कुछ दाने इसमें प्लांट के अकॉर्डिंग, अगर आपका प्लांट बहुत छोटा है तो 3 से 4 दाने और अगर प्लांट थोड़ा बड़ा है तो 6 से 7 दाने आपको इसके DAP के डालने हैं और 10 days के बाद एक बार यानी कि DAP डालनी है और उसके अगले 10 दिन के बाद आप 19-19-19 जो फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र होता है इसका स्प्रे कर सकते हैं या मिट्टी में भी इसको जड़ों से थोड़ा सा दूर हटाते हुए डालेंगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाएगा। और हर 10वें दिन आपको इसकी ऊपर की पिंचिंग जरूर करते रहेंगे। पिंचिंग करने से हमारा प्लांट हैवी और बुशी हो जाएगा और फिर उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, आपकी दोस्त। बाय बाय।